प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल मंडी दौरे पर जा रहे थे, लेकिन जिसके बाद वर्चुअली रूप से वो दिल्ली से हिमाचल की जनता को संबोधित कर रहे थे। वहीं कुछ समय बाद आपको बता दें कि पीएम मोदी दिल्ली से वर्चुअली संबोधित करते हुए उन्होंने विजय संकल्प रैली को वर्चुअल संबोधित करना था। पीएम मोदी अपने संबोधन की शुरुआत युवाओं के बीच मौजूद न हो पाने पर दुख जताते हुए कहा कि उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में तय कार्यक्रम के तहत मुझे अब तक मंडी पहुंचना था, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से ऐसा संभव नहीं हो पाया। मैं सबसे पहले क्षमा प्रार्थी हूं, दिल्ली से ही आप सभी से संवाद कर रहा हूं। इसके बाद पीएम ने कहा कि हिमाचल की युवा शक्ति ने हमेशा अलग अलग मोर्चों पर देश को गौरवान्वित किया है। पहाड़ी गांधी, बाबा काशीराम समेत हिमाचल के अनेक सेनानियों ने आज़ादी के आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज़ादी के तुरंत बाद जम्मू कश्मीर से लेकर कारगिल युद्ध तक हिमाचल के जाबाजों ने सर्वोच्च बलिदान देकर मां भारती का सिर ऊंचा किया है। वहीं इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया का भरोसा भारत पर बढ़ रहा है। आज दुनिया भर के देश भारत से जुड़ना चाहते हैं। इसका कारण बताते हुए उन्होंने कहा कि हमारे देश में बहुत दशकों तक सरकारें अस्थिर रही, किसी को बहुमत ना मिलने के चलते मिलीजुली सरकारें बनानी पड़ी। सरकार कितने दिन तक चल पाएगी, इसको लेकर नागरिकों के मन में शंका हुआ करती थी, दुनिया के मन में शंका हुआ करती थी कि जिस कारण भारत से कोई जुड़ता नहीं था। हालांकि अब 8 साल पहले साल 2014 में स्थिर सरकार है और अब भारत का हर नागरिक सरकार पर भरोसा करता है। इसी के तहत दुनिया भी भारत पर भरोसा करती है। बता दें कि हिमाचल में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं और इसी चुनाव को देखते हुए पीएम मोदी का युवाओं के नाम ये संबोधन काफ़ी अहम माना जा रहा है, क्योंकि हिमाचल चुनाव का परिणाम बहुत हद तक युवाओं पर भी निर्भर करता है। भारत को जानने समझने के लिए, भारत से जुड़ने के लिए पूरी दुनिया लालायित हो रही है। इसके पीछे एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है और हिंदुस्तान के नागरिक, जागरूक नागरिक, हिंदुस्तान के मतदाता, इसका पूरा श्रेय उनको जाता है। कारण क्या है मैं बताऊं आपको। बहुत दशकों तक हमारे देश में सरकारें अस्थिर रही, किसी को बहुमत नहीं था, मिलीजुली सरकारें थी। कितना दिन चलेगी, कर कुछ करेगी कि नहीं करेगी, कर पाएगी कि नहीं पाएगी, भारत के मतदाताओं के, नागरिकों के मन में नहीं, दुनिया के मन में आशंका होती थी। और उसके कारण कोई भारत की किसी बात पे विश्वास करने से पहले 50 बार सोचने में पड़ जाता था। लेकिन 8 साल पहले 2014 में आप सब जागरूक मतदाताओं ने, मेरे हिमाचल के मतदाताओं ने दिल्ली में मजबूत स्थिर सरकार दी। सबकी सब लोकसभा की सीटें हिमाचल ने जीत करके दी, 14 में दी, 19 में दी, और उसका परिणाम है कि दिल्ली में स्थिर सरकार बनी। उस स्थिरता के कारण नीतियों में भी स्थिरता आई, वर्क कल्चर में भी स्थिरता आई, बदलाव के लिए एक मजबूत फाउंडेशन तैयार हो गया। और उसी के कारण भारत का सामान्य नागरिक भी आज शासन व्यवस्था पर भरोसा करता है, सरकार पर भरोसा करता है। वैसे ही दुनिया भी हम पर ज्यादा भरोसा करने लगी है। स्थिर सरकार के लाभ को देखते हुए अब देश के अंदर भी हम देख रहे हैं, राज्यों में लोग बढ़ चढ़ करके इस महत्व को समझ रहे हैं। हमने देखा पहले उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में यही कथा थी कि हर 5 साल के बाद सरकार बदली जाएगी, लेकिन उत्तर प्रदेश ने, उत्तराखंड ने उस सारी सोच को ही बदल दिया और सरकार स्थिर होने की दिशा में उन्होंने अपना निर्णय दोहराया।
पांच साल बाद सरकार बदलने वाली सोच को यूपी और उत्तराखंड के लोगों ने उखाड़ करके फेंक दिया, बदल दिया। मुझे खुशी है कि हिमाचल के लोग, हिमाचल के युवा भी भाजपा सरकार की वापसी का मन बना चुके हैं। वहीं इसी खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे राजनीतिक संपादक चंद्रशेखर त्रिशूल जी जुड़ रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वहीं अधिक जानकारी के लिए मंडी से हमारे संवाददाता हिमांशु अग्रवाल जी जुड़ रहे हैं। हिमांशु, पहला प्रश्न आपसे, पीएम मोदी का यह संबोधन चुनाव में कितना कारगर साबित होगा? जी, प्रधानमंत्री का जो एक संबोधन है और प्रधानमंत्री का जो दौरा था मंडी का, वो बारिश के कारण काफी मतलब एक टाइप से रद्द हो गया, तो इसमें आपको बता दें। लेकिन प्रधानमंत्री के मंडी पहुंचने के न पहुंचने के बावजूद भी वही युवाओं में यहां पर काफी जोश देखने को मिला, और यह जो दौरा था यह विधानसभा चुनावों से लगभग 2 महीने पहले था, तो यह जो है चुनावों में कहीं ना कहीं जब प्रधानमंत्री नहीं भी पहुंचे तो युवाओं में किसी प्रकार की निराशा दिखाई तो नहीं दी, लेकिन इसमें आपको बता दें कि युवाओं में काफी जोश यहाँ पर जो है देखने को मिला। वहीं त्रिशूल जी, आपसे अगला प्रश्न, पीएम मोदी का ये वर्चुअली संबोधन हिमाचल विधानसभा चुनाव के पहले, युवाओं को उन्होंने साधने की कोशिश की, आने वाले कल में विधानसभा चुनाव है, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए रवि, जो हिमाचल में इस समय बीजेपी ने जमीन पर काम किया है, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बीजेपी को उम्मीद है कि पूरी तरह से बीजेपी हिमाचल को जीत रही है। लेकिन अगर कांग्रेस के हमले की बात करें तो कांग्रेस का हमला इस कदर है कि जब हम मतदाता से पूछते हैं या लोगों से मिजाज जानते हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए संघर्ष करना अभी जरूरी है, और जमीनी स्तर पे बीजेपी जो काम कर रही है और लगातार फैसले ले रही है कई चीजों को लेके कि आचार संहिता लगने से पहले जो भी काम हो सकता है उसको किया जाए, तो ये कहीं ना कहीं लोग इसको समझ रहे हैं कि बीजेपी कार्य करने की इच्छा शक्ति रख रही है। और 5 साल में जयराम ठाकुर ने जो काम किया है निश्चित रूप से वो भी एक बड़ा योगदान है, और के बीजेपी ने यहाँ भी चेहरा नहीं बदला है तो बीजेपी को उसका बड़ा फायदा हो रहा है। अब ऐसे में ये देखना होगा कि हिमाचल की जनता इसको कैसे लेती है, हिमाचल की जनता इसको कैसे स्वीकार करती है। वर्चुअल रैली आज की मोदी ने, प्रधानमंत्री मोदी ने, और बारिश ने कहीं ना कहीं मिजाज को खराब कर दिया। रणसिंघा बजाकर, रणसिंघा यहाँ का लोक वाद्य है, उसको बजाकर शुरुआत करने वाले थे चुनावी अभियान की, लेकिन क्योंकि बरसात पूरे हिमाचल में तेज है ऐसे में शायद बीजेपी के कुछ लोग कह रहे थे कि ये बारिश का स्वागत, बारिश ने स्वागत किया है, लेकिन आज कहीं ना कहीं वर्चुअल रैली के माध्यम से ही प्रधानमंत्री मोदी हिमाचल की जनता को और मंडी के लोगों को संबोधित कर पाए, और बीजेपी ने आज चुनावी अभियान का आगाज कर दिया है और लगातार बीजेपी का चुनावी अभियान तेज हो जाएगा। और बीजेपी कहीं ना कहीं, बीजेपी के पास जो सबसे बड़ी जो बात है कि वो 24 घंटे चुनावी मोड में रहती है, तो लगातार जिस तरह दौरे हो रहे हैं, लगातार जिस तरह जमीनी स्तर पर काम हो रहा है, उससे कहीं ना कहीं बीजेपी की स्थिति इस समय मजबूत दिखाई देती है। चंद्रशेखर जी, पहले बीजेपी अगर विरोधी पार्टी के रूप में देखा जाए तो कांग्रेस थी हिमाचल में, लेकिन अब आम आदमी पार्टी की भी एंट्री हो गई है पूरे दमखम के साथ, क्या आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को आने से क्या बीजेपी की जीत सुनिश्चित होगी या बीजेपी बहुमत प्राप्त करेगी? देखिए रवि, दरअसल आम आदमी पार्टी ने जिस करिश्माई जीत को हासिल किया पंजाब में, कहीं ना कहीं उसे उम्मीद है कि पड़ोस का राज्य है वहां पे बड़ा कुछ किया जा सकता है, और इसी के चलते आप हरियाणा को देखेंगे तो वहां भी लगातार बीजेपी के सामने आम आदमी पार्टी चुनौती पेश कर रही है, और वहीं दूसरी तरफ हिमाचल में लगातार मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल रैली कर रहे हैं। लेकिन एक जो बीच में जो फ्लक्चुएशन होता है वो अभी उतना बड़ा नहीं है कि मेजर चेंजेस के लिए आम आदमी पार्टी के लिए लोग कह रहे हो। हाँ, निश्चित रूप से लोगों से बात करते हैं, एंट्री है और कहीं ना कहीं रोल रहेगा, लेकिन इतना बड़ा रोल रहेगा ये अभी उम्मीद नहीं है कि बड़े भूमिका में आम आदमी पार्टी है जैसे कांग्रेस। बिल्कुल बिल्कुल त्रिशूल जी, एक प्रश्न और बनता है, पीएम मोदी अपने संबोधन में वो दो
दो शब्दों का इस्तेमाल, एक तो युवाओं को उन्होंने साधने की कोशिश की और दूसरी चीज हिमाचल की जो संस्कृति है, जो सभ्यता है और वहां का जो एक वीरांगनापन है, वहां के जो युवा रहे हैं, वहां के जो सैनिक रहे हैं, देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिए हैं, आपको लगता है कि उनके ये संबोधन से युवा उनके साथ जुड़ेंगे, बीजेपी के साथ जुड़ेंगे? देखिए रवि, लगातार बीजेपी युवाओं को जोड़ने के लिए बहुत सारे अभियान चुनावी स्तर पे, राजनीतिक स्तर पे और संगठन के स्तर पे भी चलाती रही है, तो ये कहना बहुत बड़ी बात नहीं है कि बीजेपी युवाओं को आकर्षित करने में कामयाब रही है। और ये जो एक लंबा सफर है 8-9 साल का देखेंगे तो उसमें कई राज्यों में जीतने में बड़ी भूमिका रही है। ऐसे में यहाँ बीजेपी युवाओं को आकर्षित कर लेगी या नहीं कर लेगी ये तो चुनाव परिणाम तय करेंगे, लेकिन अभी तक कर रखा है और हर एक वर्ग में कहीं ना कहीं बीजेपी ने अपना एक संदेश देने की कोशिश की है। सभी जो यहाँ पे जनजातियां हैं उन तक कहीं ना कहीं योजनाओं को पहुंचाकर उनको जोड़ने की कोशिश की है, तो वो लाभ बीजेपी को कहीं ना कहीं मिलेगा, बीजेपी इसके लिए आश्वस्त है। लेकिन जो तय करना है वो आखिर में मतदाता तय करेगा, इसलिए ये कहना बहुत जल्दबाजी है कि बीजेपी को उसका लाभ साफ मिलता दिख रहा है। चंद्रशेखर जी आपका, हिमांशु जी आपका, आप दोनों लोग जुड़े हमारे साथ चर्चा में, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।